जब भी हम किसी उपवन में जाते हैं तो ये हरी भरी घास देख के, ये मखमली घास देख के मन प्रफुल्लित हो जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प, भिन्न भिन्न रंगों के पुष्प देख के ये मन आनंद से भर जाता है। यहाँ बच्चे खेल का आनंद उठाते हैं तो बड़े भोजन करते हैं, वार्तालाप करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। अब सोचिए, जब इस उपवन का निर्माण हो रहा था उस समय यदि माटी को उचित प्रकार से खोदा ही न जाता, यदि उसमें बीज को उचित प्रकार से बोया ही न जाता, यदि संघर्ष ही न होता, परिश्रम ही न होता, यदि चलते चलते पांव में कांटे ही न लगते, तो क्या इस सुंदर उपवन को देख के आनंद हम प्राप्त कर पाते? कदापि नहीं। यदि किसी नदी किनारे एक सुंदर उपवन है जिसका आनंद आप उठाना चाहते हैं तो आपको नदी को पार भी तो करना होगा। यदि सुख की नदी तक आप पहुंचना चाहते हैं तो किनारों पे जो कांटे हैं उनसे संघर्ष भी तो करना होगा। इस संसार में यदि सुख आप पाना चाहते हैं तो सुख पाने की यात्रा प्रारंभ होती है संघर्ष से ही। तो इस संघर्ष का स्वागत कीजिए, इसी के पीछे सुख है जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। मुस्कुराइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।